हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, नया व्लॉग। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सुबह उठ के ही एजुकेशन वीडियो मुझे बनाने पड़ गए, दो डेढ़ डेढ़ घंटे के, तो उसी में टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है, अभी आज बारिश भी सुबह से हो रही थी तो मैंने सोचा फटाफट अभी वीडियो बना लेता हूँ, थोड़ी देर में लाइट भी चली जाएगी, तो यही सब चला गया, व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया था। ठीक है, पीछे मेरे बलून्स लगे पड़े हैं, जो बर्थडे हुआ था ना उसका बलून लगा पड़ा है। अभी नहाएंगे धोने के लिए, नहाने के बाद खाना खाएंगे, तो ब्लॉग पे बने रहते हैं। घर पे अभी बारिश हुई थी ना, पूरा सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है और घर पे कोई नहीं है, मतलब पापा हैं वो दुकान की तरफ ही रहते हैं और बाकी सब लोग घर पे नहीं है। मैं और मेरी वाइफ हैं, वाइफ ने पूरा घर का काम वाम किया, सब कुछ सफाई वफाई की, अभी वो नहा रही है। अब मैं ही और वो, तो मुझे लग रही है ना भूख, वीडियोस बनाने के बाद बहुत बोलना पड़ता है ना, तो एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। सो मैंने सोचा फ्रिज खोल के देखता हूँ कुछ है खाने पीने का, नहीं है उतना कुछ तो है नहीं। दाल बना पड़ा है, सुबह दाल खा के बोर हो गया था। अब मैं सोच रहा हूँ ना, आप देख रहे हैं मैक्रोनी, मेरी वाइफ मुझे बहुत बोलती है कि मैक्रोनी बना के खिलाओ, क्योंकि मैं अपनी बहनों को सबको खिलाता हूँ मैक्रोनी, टेस्टी बनाता हूँ। बट देखता हूँ क्या करता हूँ, अभी शायद मैक्रोनी बनाऊँ, अगर शिमला मिर्च होगा तो मैं मैक्रोनी बना लूँगा, नहीं तो देखते हैं आगे क्या होगा। वगैरह तो नहीं है बट मैक्रोनी खाने का मन हो रहा है, सो मैं सोच रहा हूँ मैक्रोनी बनाता हूँ, और कैसे कैसे बनाता हूँ, सिंपल मैक्रोनी बनाऊँगा, आप भी देखना। मैगी खरीद के लाया था ना, तो वो मैगी में मैगी मसाला भी होता है, तो मैगी मसाला डालने से मैक्रोनी में टेस्ट आ जाता है। मार्केट से अलग से कौन खरीदे, तो यही मसाला बचा हुआ इसका यूज़ कर लेंगे और इसकी मदद से मैं बनाऊंगा मैक्रोनी। अभी वाइफ ऊपर है, मैं बनाने की ट्राई करता हूँ, बाकी जो भी चीज़ लगती है उसको बस बनाना स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको साथ ही साथ दिखाता हूँ। हमें कुछ हरी मिर्च चाहिए होंगे, कुछ क्या थोड़े ज़्यादा ही चाहिए होंगे, मैं थोड़ा मिर्च ज़्यादा खाता हूँ, स्पाइसेस मुझे पसंद है और ये हरी मिर्च में थोड़ा मिर्च कम है, ठीक है ये भी लेंगे। और एक प्याज ले लेते हैं, शिमला मिर्च तो है नहीं, ये मटर है, कुछ मटर्स भी ले लेंगे, नहीं मटर नहीं लेने के ना, मैक्रोनी में सही नहीं लगेगा। ये हो गए, एक प्याज काफ़ी होगा, दो ही लोग हैं, ठीक है काफ़ी है। उसके बाद हम ले लेते हैं एक टमाटर, शेज़वान चटनी भी है, बाकी सोया सॉस भी है। चलो एक छोटे छोटे टमाटर हैं, टमाटर ले लिए मैंने एक छोटा सा, नींबू भी चाहिए होगा बाद में, वो देखेंगे बाद में, बाकी जो चाहिए होगा लेते रहेंगे। फिलहाल इनको मैं स्लाइस करके काटूंगा अभी धोने के बाद, ठीक है, और क्या चाहिए होगा फिलहाल यही है, इनको कट करेंगे। तो फटाफट थोड़ा सा धो लेते हैं इसको, पानी इतना ठंडा है कि क्या ही बताएं, बहुत ठंडा है आजकल, ठंड इतनी हो रही है। ठीक है धो लिया, अब इसको कट करेंगे। मैं क्या करता हूँ ना, फटाफट इसी टाइम में जैसे मैं सब्जी काट रहा हूँ, इसी के साथ साथ थोड़ा गर्म होता रहेगा ना, मैक्रोनी भी उबालने के लिए दे देता हूँ। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इतना ही बचा है, ज़्यादा भी नहीं है, सो इतना बचा है, ठीक है दोनों के लिए हो जाएगा, इतना खाएंगे थोड़ा थोड़ा और उसके बाद थोड़ा खाना भी खा लेंगे तो हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक टिप्स क्या है, इनमें थोड़ा सा ना ऑयल देना पड़ता है, और ऑयल जो हम खाते हैं वो सरसों का तेल खाते हैं, आई थिंक इसमें ऑयल नहीं है, फिर भी थोड़ा सा दे देते हैं, इससे क्या होगा ना कि चिपकेगा नहीं। कई बोलेंगे सर आज व्लॉगिंग छोड़ के आप क्या कर रहे हो, है ना, तो दिखा रहा हूँ यार, कुकिंग भी मुझे बहुत पसंद है, हालांकि पहले मैं करता था बट अब नहीं करता, टाइम ही नहीं मिल पाता। इसमें थोड़ा ऑयल दे दिया, मैं थोड़ा नमक भी दे देता हूँ, और इसमें एक स्लाइस छोटा सा टुकड़ा अदरक का था वो दे दिया, इससे एक हल्की सी खुशबू टाइप आती है ना। ये मेरा प्रोसीजर है, ये मेरा मैकिंग है, आप भी ट्राई करना अपने हिसाब से, मुझे बताना। थोड़ा नमक दे दिया मैंने, अब इसको थोड़ा सा उबालने के लिए छोड़ देंगे। देखो तो मैं काटता हूँ, मैंने धो लिया है, अब इनको काटता हूँ। तो मेरी वाइफ आ गई, उसने बोला चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और ये टमाटर और ये सब ये चॉप करके दे रही मुझे, बाकी तो मैं ही बनाऊँगा। ठीक है, और ये देखिए हमारा गर्म होने वाला ऑलमोस्ट उबल रहा है, देखते हैं कितने टाइम में बनता है। सोच रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा मैगी ऐड कर दूँ, क्या कहते हो, कर दूँ या ना करूँ? करवा
मैं तो खाऊंगा। नहीं मिलेगा तुम्हें गाजर का हलवा, उस दिन गाजर लाने बोला था तुम लाए ही नहीं। अच्छा तो दो दो दिन बाद गाजर का हलवा बना तो खिला दोगे क्या? और क्या, सर्दियों में तो लोग खाते हैं, गर्मियों में थोड़ी कोई खाता है। गर्मियों में मजा भी नहीं आता है। अदरक क्यों काटोगे? अदरक नहीं डालोगे? अदरक दे दिया मैंने इसके अंदर थोड़ा सा। ये उसका कौन सा खाना बना रहे हो जो पहले ही उबालते समय अदरक दे दिया? उसका फ्लेवर आ जाएगा, सुगंध देगा तुमने। ये मेरा स्टाइल है। ये हम ऑयल डाल रहे हैं। बस बस करो, कितना डाल लोगी? ठीक है, ये तो ये थोड़ा गर्म होने देते हैं इसको। गर्म क्या होना चाहिए, अभी आए नहीं कुछ। फिर अब ये कढ़ाई में वो था पानी, अब देखना चिटर चिटर करेगा। तुमने देखा नहीं ये पानी था कढ़ाई में, ऐसे डाल दिया। हाँ तो मुझे क्या पता कि तुम इतने समझदार हो कि गैस ही ऑन नहीं किया। ऐसे बोल गया जैसे कि मैंने तो कभी बनाया ही नहीं है। वो देख लीजिए कितना ज्यादा उबल गया ये। ज्यादा नहीं उबला, परफेक्ट उबला है। तेल को हम गर्म होने देते हैं थोड़ा, जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद ये सब देंगे। अब चटकना शुरू हो चुका है, देखिए पानी धाना हल्का हल्का तो चटक रहा है। तो देखिए अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज। दिखाई नहीं दे रहा है, प्याज डाल दिए हैं। उसके बाद तुम्हारा चॉपिंग बोर्ड ही आ रहा है, कढ़ाई तो आई नहीं गई। चलो आइए टमाटर, ये देखिए बाद में लेंगे। इसको हम थोड़ा सा, अरे पहले प्याज फ्राई कर लेते ना, फिर दे दे उसमें टमाटर दोनों के साथ। कोई बात नहीं, एक चीज और कर रहा हूं। अच्छा नमक दे दें इसमें। पता नहीं गाइस कैसा मैक्रोनी खिलाने जा रहे हैं ये मेरे को, मुझे तो डर लग रहा है। कैसे जहर खिला रहे हैं, तो डर नहीं है ना? अगली बार खाऊंगी बस ठंडी खाती रहूंगी। इसको ढक देते हैं ना, ढक देते हैं। अरे हटाओ उसको। क्या हटाओ? वो वाला छोटी थाली दिख रही है, रैक पे लगा रखा है मैंने। आंखों का इस्तेमाल करो। अभी हटाऊं या ना हटाऊं मुझे नहीं पता। थोड़ा सा मैक्रोनी है, दुनिया भर का मसाला यूज कर रहे हैं ये जनाब। पता नहीं आज मसालेदार इतना मैगी खिलाए वो मैक्रोनी। ऐसा तो नहीं है, सिर्फ जिंदगी में पहली बार मैक्रोनी बना रहे हैं। इंटरेस्ट करती हूँ मेरी और श्रद्धा नहीं है। अब बना कौन रहा है? दे देता हूँ, क्या रखा है ऊपर से दे देता हूँ। नहीं ठीक है डाल दो, अरे फिर चिपक जाए। नहीं चिपकेगा। मैगी मसाला भी डाल देते हैं थोड़ा सा, मैगी मसाला। अभी और वो देखो कोने में इधर छोड़ो, उसको बंद करो, उधर कोने में देखो, नीचे मसालेदानी में उधर कोने में। भगवान 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 के बारे में, ठीक है ना? हाँ दिया ही नहीं और मत दो। और क्या देना है? तुम बना रहे हो ना, तुम बताओ क्या देना है। और
जा रहा है, थोड़ा अच्छे से वो करो। बस बस ग्रीन चिली सॉस देना है। अब इसमें पड़ने वाला है लिटिल बिट ग्रीन चिली सॉस। बस यस अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा डालिए टमाटो केचप। टमाटो केचप लास्ट में थोड़ा ग्रेट करें, मीठा मीठा ना हो जाए बस। कैसे थोड़ा ज़्यादा नमक कलर होता है देखिए। अब इसमें पड़ने वाला है कोरिएंडर लीव्स, डालिए। चुप हो जाओ, तुम बताओ मुझे। फ्रेश फ्रेश लीव्स। ये इतना बढ़िया बेहतरीन कलर आया है। कौन बना कौन रहा है इनको देखो, इस बार खाके बताना टेस्ट कैसा है क्या नहीं। हाँ, दुनियादारी डालोगे तो टेस्टी तो बनेगा। अभी तक मैंने टमाटो केचप टेस्ट नहीं करा और गाइस देखिए आधा बोतल हो गया है। ये किसान का परफेक्ट टमाटो केचप आ गया, मीठा ना हो जाए यार, चटपटा दो ना मीठा नहीं। और मुझे मीठा चटपटा दोनों, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा इसमें वो डालिए नमक। तुम अपना नमक डालो, मैं नमक कम खाता हूँ। टेस्ट करके देख तो लो नमक हुआ है कि नहीं हुआ है। मीठा हो गया, मस्त बना है। ये देखिए खुद की खुद ही तारीफ। तुम भी खाते हो, मेरे हिसाब से तो मेरे को नमक सही लग रहा है, तुम्हें तुम थोड़ा नमक ज़्यादा खाती हो। दिखाओ हल्का सा डालो इसमें, ज़्यादा हो गया उसको मैं डालती हूँ। अरे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है थोड़ा और सही है। बाकी तुम अपने यहाँ से डाल देना, बंद करो वीडियो। मेरी वाइफ अब उतार रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट क्या कर, बस यही लग गया, उसका थंबनेल बनाएंगे मस्त, है ना। देखते हैं कैसे क्या होता है, आप बताइए देख के कैसा लग रहा है। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने, मैंने बनाया गर्मा गर्म। गाइस मैंने तो टेस्ट कर लिया है, कितना लाजवाब बना है, मुझे तो बहुत पसंद है। अब तुम बताओ टेस्ट करके, इधर बताओ बताओ। अच्छा है अच्छा बनाया वाकई। तो गाइस आप लोग भी आ जाए हमारे साथ मैक्रोनी खाने। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद जरूर आया होगा, अगर ऐसा है तो एक वीडियो लाइक जरूर करना। अगर आपको भी मेरे साथ मैक्रोनी खाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें, फिर हम साथ में मिलकर मैक्रोनी खाएंगे।